प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को ध्यान में रखते हुए रविवार को कांग्रेस ने चार कोर कमेटियों की घोषणा की। इसमें पूर्व सांसद जितिन प्रसाद और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राज बब्बर को शामिल नहीं किया गया है। दोनों नेता 29 वरिष्ठ कांग्रेसियों में शामिल थे जिन्होंने नेतृत्व के मुद्दे पर पिछले दिनों पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। इसके अलावा पूर्व सांसद आरपीएन सिंह भी राज्य के प्रमुख नेताओं में से हैं जो इन समितियों में शामिल नहीं हो सके। पूर्व सांसद आरपीएन सिंह वर्तमान में उड़ीसा के AICC प्रभारी हैं। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रविवार को यूपी के लिए घोषणा पत्र समिति, आउटरीच समिति, सदस्यता समिति और कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्यों के नाम जारी किए। इन समितियों में कुल 27 वरिष्ठ कांग्रेस सदस्यों को शामिल किया गया है। हालांकि पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राज बब्बर और जितिन प्रसाद को भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। कांग्रेस की ओर से घोषित समितियों में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी बड़े नेताओं को शामिल किया गया है। मसलन सलमान खुर्शीद, प्रमोद तिवारी, राशिद अलवी, नूर बानो, अनुग्रह नारायण, लेकिन जितिन प्रसाद और राज बब्बर का नाम नहीं है। इस पर राज बब्बर ने कहा कि उपयुक्त लोगों को सही कामों के लिए चुना गया है, मुझे यकीन है कि वे अच्छा काम करेंगे। जहां तक मेरा सवाल है तो मैंने यूपी छोड़ दिया है। उधर जितिन प्रसाद ने TOI के कॉल का जवाब नहीं दिया। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।